दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेटर में। दोस्तों आज की ये वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2019-20 शैक्षिक सत्र के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। पूरे ध्यान से आपको वीडियो देखनी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें हम समाज कल्याण विभाग द्वार से जो हमारी बातचीत की गई है फ़ोन पर, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको लाइव सुनाएंगे। ठीक है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग पूरी सुनेंगे और वो जो हमने बात की है समाज कल्याण विभाग से, इस विषय को लेकर हमारी बात हुई है समाज कल्याण विभाग से कि जिन छात्रों के फॉर्म सस्पेक्ट हैं तो वो क्या करें, कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं अपने फॉर्म को, कैसे सही करवा सकते हैं, तो सारी डिटेल के साथ उन्होंने बताया। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने पूरी डिटेल के साथ वो जानकारी दी है। लगभग 5 मिनट की वो कॉल रिकॉर्डिंग है जो आप इस वीडियो में आगे सुनेंगे। तो आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना है। वीडियो इसलिए थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को स्किप ना करिएगा कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी, ताकि आपसे मिस हो जाए। तो वो पूरी रिकॉर्डिंग से आपको समझ में आएगा कि अब आपके जो फॉर्म सस्पेक्ट हैं तो वो कब कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 20 जनवरी तक का ही आपके पास समय है, उसके बाद कम से कम 2 लाख छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाने हैं, जैसा कि समाज कल्याण अधिकारी ने कहा था। संदिग्ध बहुत ही ज़्यादा कमियाँ हैं जिन फार्मों में, 2 लाख तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आप अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं और 20 तारीख तक का आपके पास समय है। तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, पूरी ये वीडियो देख के अच्छे से समझ लीजिए आपको करना क्या है, आपके अपने फॉर्म को कैसे वेरीफाइड करवाना है। तो वीडियो पर बने रहिए अंत तक हमारे साथ। और उससे पहले यदि आपने अभी तक पीके एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि यूपी स्कॉलरशिप से जुड़ी किसी भी अपडेट से अपडेट रह सकें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे ये स्टेटस है आपके सामने, ये स्टेटस 2 वजहों से सस्पेक्ट था। ठीक है, ये वो स्टेटस भले वेरीफाई हो चुका है लेकिन आपका यदि अभी भी सस्पेक्ट है और वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, वो चलिए रिकॉर्डिंग सुनते हैं। रिकॉर्डिंग जो है, जो फ़ोन किया है समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को, तो नितेश कुमार एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने समाज कल्याण विभाग को कॉल की थी, पूरी जानकारी ली है उस बारे में कि कैसे अपने फॉर्म को वेरीफाइड करवा सकते हैं। तो चलिए आपको ज़्यादा देर न करते हुए सुनवाते हैं लाइव रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, नितेश कुमार चौहान बोल रहा हूँ मैं। जी मैडम जी, बताइए जो स्कॉलरशिप सेकेंडरी ITI वालों का। एक मिनट बैठे रखिए, ये सेकंड पेज पर आएगा जो आप बता रहे हैं। ठीक है, हेलो मैडम जी, ये कह रहे हैं हम। हाँ। जो स्कॉलरशिप बारे में पूछना चाहते हैं मैडम जी। ये जो ITI सेकेंडरी वाले का रिजल्ट नहीं आया था वो फॉर्म तो इसमें सस्पेक्ट हो चुका है। हाँ। तो क्या मैडम जी फिर से डाटा आएगा सेकेंडरी वालों का? सेकेंडरी अभी आपने फॉर्म कब फिल किया था, 10 अक्टूबर के पहले या बाद में? बाद में किया था। ओके, और करेक्शन आपका कुछ था उसमें? हाँ मैडम जी, वही तो बगैर रेट के भर दिए थे फॉर्म, तो करेक्शन तो मांगेगा ना। अच्छा, और तो अभी अभी सस्पेक्ट में रीजन क्या दिखा रहा है? रीजन दिखाया गया यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा, इनरोलमेंट नंबर नॉट मैच। ठीक है, तो उसके लिए आप एक काम करिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पहले बता सकते हैं? जी मैडम, 6441 40 11 19 0004 फिर 1 लास्ट में 1 है। 1 जी मैडम जी। ओके, आपके जो एनरोलमेंट की प्रॉब्लम आ रही है आप उसके लिए क्या करिए, एक एप्लीकेशन लिखिए। जी मैडम जी, कि आपके करंट स्टेटस में ये शो हो रहा है। जी। अच्छा, आपने मार्क्स नहीं फिल किए थे उस टाइम? मैडम जी रिजल्ट नहीं आया था ना, तो जनरल रिजल्ट दिया सेकेंडरी का ना। अच्छा, तो आपने मतलब रॉन्ग फिल किए थे या प्रोमोटर से भर दिया था? नहीं, प्रोमोटर सर जी बोले कर दो, मैंने बोले सर जी प्रोमोटर कर दो, तुम फेल दिखाए काहे नहीं हो, जैसे भर दीजिए करेक्शन। जी मैडम जी जी, तो आप एक काम करिए, एक एप्लीकेशन लिखिए अपने कॉलेज में, सस्पेक्ट रीजन उसमें डाल करके आप उसको वेरीफाई करा लीजिए कॉलेज से, देन उस एप्लीकेशन को लेकर आप अपने जिले के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जाइए। मैडम जी, मेरा जो पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण जौनपुर में है, तो मैं गया था, वो सर बोले कि देखो बेटा अभी डाटा सेकेंडरी का आया नहीं, तो मैं कैसे करूँ, कागज लिखवाना पड़ेगा तुम्हें। हम बोले सर जब सेकेंडरी का डाटा आया नहीं तो होगा कैसे, कहा फर्स्ट ईयर का डाटा आया सेकेंडरी का नहीं आया। डाटा से मतलब क्या आपका? मतलब जब कलेक्शन वाला डाटा आएगा तो हम तो आपको बताएंगे।
अच्छा, वैसे अभी चल रहा है 11 से 20 वाला डेट आपका शेड्यूल आ गया है, इसी बीच में आपका डेटा आ जाता है। ठीक है, तो आप एक काम करिए जी कि मैडम जी, आप अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी कर दीजिए, आप उसमें अपने रिजल्ट की एक कॉपी लगाइए, करंट स्टेटस और एप्लीकेशन कॉलेज से वेरीफाई करा करके ये PSW ऑफिस में आप जाके सबमिट कर दीजिए। समाज कल्याण अधिकारी के पास जी, पिछड़ा कल्याण विभाग जो होता है हाँ। विकास भवन, वहाँ पर जाकर के आप सबमिट कर दीजिए। मैडम जी ये करंट कॉलेज से लिखवाना पड़ेगा? कॉलेज से वेरीफाई करा लेंगे तो वहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा जल्दी, नहीं तो मतलब फिर से हो सकता है मानेंगे नहीं, बोलेंगे कॉलेज लिखवा तभी वापस कर देंगे हमें। हम हो सकता है आप कॉलेज के, अब जब आपके एप्लीकेशन में कॉलेज वेरीफाई करेगा, आपके प्रिंसिपल या अथॉरिटी साइन करके उसमें देंगे जी मैडम तो जी वहाँ पर ले लिया जाएगा। जी तो मैडम डाटा ठीक है, अभी मतलब कल जाएं, डाटा आने के बाद जाएं? नहीं आप चले जाइए, आप नहीं अपनी मैडम तरफ जी, से आप कंप्लीट कर लीजिए प्रोसेस। मैं 14 तारीख को गया था अच्छा जौनपुर में, तो बोले तो बेटा अभी नहीं आया, तो कहाँ से चले आया तू? हमको सर जी ऐसी बात मैं सुना था, कहीं नहीं डाटा आएगा तब मेरे पास आना, कॉलेज लिखवा का ना, मैं भी तुम्हारी वेरीफाई कर दूंगा। अच्छा तो ठीक है, आप फिर 1-2 दिन में चले जाइएगा, जी मंडे तक चले जाइएगा। जी मैडम जी, मैडम जी कह रहे हैं कि मतलब वो तो आप देख लेंगे, ससुर दिखा ही रहा है। नहीं तो वैसे जो आपका सस्पेक्ट दिखा रहा है उसका सोल्यूशन तो यही है कि आप अपना रिजल्ट लगा के सबमिट कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट की वजह से ये शो हो रहा है। हाँ मैडम जी, हाँ ठीक है, जी तो आप अपनी तरफ से, वैसे कॉलेज की तरफ से ये डेटा जाता है, बट अगर कॉलेज वाले नहीं अगर फॉरवर्ड कर रहे हैं तो जी आप खुद जा करके सबमिट कर सकते हैं। जी मैडम जी, तो मतलब कि जी क्या आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हैं? सेकंड ईयर है मैडम जी? नहीं डिस्ट्रिक्ट, जिला ओ जौनपुर जौनपुर में। जी हाँ तो फिर आप चले जाइएगा, 1-2 दिन में जा करके आप कंप्लीट कर लीजिए ये प्रोसेस अपना। जी मैडम, मैडम जी मार्कशीट मतलब जो रिजल्ट आया उसका जीराक्स और स्टेटस का करंट कॉपी, और मैडम जी एप्लीकेशन आपकी, मतलब अच्छा स्कूल से लिखवा लेंगे ठीक रहेगा, मतलब जल्दी वेरीफाई करेंगे हाँ अपना। हाँ 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 वो ज्यादा सही रहेगा ना आपके जी लिए, मैडम तो जी, आपके पास जी प्रमाण जी हो जाएगा कि आप इस विद्यालय में पढ़ते हैं और आपका ये डेटा यानी है। कि प्रूफ करेगा। जी मैडम हाँ प्रूफ के लिए। जी मैडम, बहुत धन्यवाद मैडम जी बताने के लिए। ओके जी मैडम, ओके वेलकम। तो देखिए आपने रिकॉर्डिंग सुनी पूरी डिटेल के साथ, उसमें समाज कल्याण अधिकारी की जो मैडम थी उन्होंने पूरी डिटेल के साथ आपको बताया है कि आपका फॉर्म किसी भी वजह से सस्पेक्ट हो, इनरोलमेंट नंबर मान लीजिए नहीं मैच हो रहा, रोल नंबर नहीं मैच हो रहा, या फिर आपने अपने मार्क्स गलत फिल कर दिए थे, या फिर यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड का जो आपका हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच हो रहा था, कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपके फॉर्म में, तो अभी 11 से 20 जनवरी तक का जो करेक्शन का समय है वो चल रहा है। तो उसके लिए देखिए करना क्या होता है, जैसा कि समाज कल्याण अधिकारी ने मैडम ने खुद बताया कि कॉलेजों को डाटा भेजना होता है जिला समाज कल्याण को, जिला समाज कल्याण ऑफिस को या जिला समाज कल्याण अधिकारी को। लेकिन यदि कॉलेज नहीं भेजते हैं और उस वजह से आपका फॉर्म सस्पेक्ट और अभी तक पेंडिंग है, तो आप खुद से जाके वहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो जैसा उन्होंने स्पष्ट बताया है कि आपको, अब जैसे नितेश कुमार जिन्होंने कॉल के की थी समाज कल्याण विभाग को, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनके जो स्टेटस में प्रॉब्लम है तो उन्होंने मार्क्स नहीं सही डाले थे क्योंकि उनका रिजल्ट ही नहीं आया था, तो प्रमोटेड करके उन्होंने अपना फॉर्म फिल कर दिया था। तो अब वही मार्क तो उसका, उन्हें जो बताया गया है कि आप अपने रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी लेके साथ में कॉलेज से वेरीफाई करवा के समाज कल्याण अधिकारी को जमा कर दें। कॉलेज से वेरीफाई करवाने का फ़ायदा ये होगा कि आपका जो है समाज कल्याण अधिकारी जो आपका वो रिक्वेस्ट है उसको मान लेगा, क्योंकि कॉलेज वेरीफाई किए रहेगा कि ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो अगर आपका ठीक है, उनका मान लीजिए मार्क्स वाली प्रॉब्लम थी, इनरोलमेंट वाली प्रॉब्लम थी, तो इसी तरह आपके स्टेटस में जो भी प्रॉब्लम हो आप उसका प्रूफ लेकर अपने कॉलेज जाइए, कॉलेज से वेरीफाई करवा के आप खुद जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास सबमिट कर दें। कॉलेज के भरोसे अब ना रहें सबमिट करवाने को, क्योंकि देखिए आज 17 तारीख है, केवल 3 दिन का समय आपके पास है। अगर कॉलेज वाले किसी तरह की ढीला ढाली करते हैं और मान लीजिए जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास आपका वो डाटा नहीं पहुंचाते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप स्कॉलरशिप से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि केवल 20 तारीख तक का समय है। तो देखिए पीके एजुकेटर चैनल हमेशा से पिछले वर्षों में भी आपको लाइव कॉल रिकॉर्डिंग समाज कल्याण विभाग से जानकारी लेके जो भी होती थी सीधा कॉल रिकॉर्डिंग आपको वीडियो पर सुनाता रहा है। तो इसी तरह हम आपके साथ हर समस्या का समाधान लेकर आते रहेंगे। उसके लिए कुछ भी करना पड़े जिला समाज कल्याण अधिकारी से बात करेंगे, लखनऊ में स्थित समाज कल्याण अधिकारियों से बात करेंगे। कुछ चैनल्स जो होते हैं यूट्यूब के, वो कह देते हैं हमने जिला समाज कल्याण अधिकारी से हमारी बात हुई, ये कहा वो कहा, अरे भाई बात हुई है तो उसका प्रूफ दो, तो जैसे कि हम दे रहे हैं। तो चलिए हम आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग देखिए आपने सुनी, आपके सामने सारा प्रूफ है, आप खुद देख सकते हैं सुन सकते हैं। ठीक है, तो
आप खुद विचार करिए, जो चैनल आपको बेस्ट लगे यूट्यूब पर आप उसको फॉलो करिए। मैं नहीं कहता कि आप पीके एजुकेटर चैनल को ही सब्सक्राइब करें, जो भी चैनल आपको बेस्ट लगे, जो लगे कि आपको सही जानकारी जिस चैनल से मिलती है आप उसको फॉलो करिए। लेकिन यदि हमारी वीडियो, हमारा ये प्रयास कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाने का, अगर ये अच्छा लगा हो, आपके काम की वीडियो रही हो, आपकी ज़रा भी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।